हेलो प्यारी दर्शकों, भील समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। यह समाज राम भगवान के पहले से है। भील समाज में वाल्मीकि, सबरी, हनुमान, केवट, निषाद, एकलव, महाराणा प्रताप के साथ पुंजा भील, दूधा भील, शिवाजी के साथ में बावले भील सहित अनेक ऐसी लंबी श्रृंखला भील समाज के महापुरुषों की रही है, जिन्होंने आवश्यकता अनुसार समय समय पर देश, समाज और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। प्यारे दर्शकों, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बीलु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कमान। जी हाँ, तीर कमान में अत्यधिक निपुण होने के कारण जनजाति को यह नाम मिला। इनका मुख्य निवास स्थान उदयपुर है। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी इनका निवास स्थान है। मेवार और मुगल समय में भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे। तत्कालीन समय में भील समुदाय को रावत, भोमिया और जागीरदार कहा जाता था। राणा पूंजा भील और महाराणा प्रताप की आपसी युद्ध नीति से ही मेवार मुगलों से सुरक्षित रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूंजा और उनकी भील सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण मेवार राज चिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ राणा पूंजा भील अर्थात राजपूत और भील का प्रतीक चिन्ह अस्तित्व में आया। भील भारत के मूल निवासी हैं। भीलों का वर्णन पुराणों में मिलता है। वही यह जनजाति के स्वचाचन जनजाति रही है। भील युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ते रहे। भील जनजाति के डांका के राजा भारत के एकमात्र वंशानुगत राजा है। सम्राट अशोक और सुसीम के मध्य हुए गृह युद्ध में सम्राट अशोक भील सेना के सहयोग से विजय हुए। भील राजा विक्रमादित्य के सहयोगी रहे। वही मेवार के शासकों की विजय पताका फहराने में भील सरदारों का अहम योगदान रहा है। मराठों के विजय अभियान में भी भीलों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। करीब 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य गुजरात का अधिकांश भाग पर भीलों का ही शासन था। गुजरात डांग जिले के 5 भील राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों को युद्ध में हरा दिया। करिया अंबा में सबसे बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध को डांग का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। डांग के यह 5 भील राजा भारत के एकमात्र वंशानुगत राजा है और इन्हें भारत सरकार की तरफ से पेंशन भी मिलती है। आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार इन राजाओं को धन देती थी। गुजरात में 1400 ईसा पूर्व के दौरान भील राजाओं का शासन रहा। गुजरात, केडर, डांग, अहमदाबाद और चंपानेर, पावागढ़ में लंबे समय तक भील राजाओं का शासन रहा था। राजस्थान में कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मनोहर थाना, कुशलगढ़, भीनमाल, उदयपुर, प्रतापगढ़, घूमट क्षेत्र, सुलंबर और जगरगढ़ में भील राजाओं का शासन लंबे समय तक रहा था। राणा पूंजा भील ने भील जनजाति को एकजुट कर भीलों की मजबूत सेना का निर्माण किया। राणा पूंजा भील जी की इसी सेना के सहयोग से महाराणा प्रताप ने मुगलों का सामना किया। राजस्थान में मेवार भील कार्प है। भील लोग आम जनता की सुरक्षा करते थे और यह भोलाई नामक कर वसूलते थे। उसी तरह मध्य प्रदेश में मालवा पर भील राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। झाबुआ, उमकरेश्वर, अहिराजपुर पर भील राजाओं ने शासन किया। इंदौर स्थित भील पलटन का नाम बदलकर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय रखा। मध्य प्रदेश राज गठन के पूर्व यहां भील सेना प्रशिक्षण केंद्र था। तात्या भील जी को इंडियन रोबिनहुड कहा जाता है और यह उपाधि उन्हें अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। मालवा पर करीब 500 वर्षों तक भील राजाओं ने शासन किया। मालवा में मालवा भील कॉर्प्स रही। मंदसौर स्थित हिंगल लाजगढ़ का किला के स्मारक की पूजा भील जनजाति किया करती है। तो
क्योंकि उस किले के इतिहास के अनुसार गौत्री भील की हत्या वहीं हुई थी। भानुपुरा, मंदसौर, रामपुरा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की स्थापना भील राजाओं ने ही की थी। जी हाँ दर्शकों, छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर भिलाई का नामकरण भील समुदाय के आधार पर ही हुआ है। महाराष्ट्र में कई भील विद्रोह हुए जिनमें खानदेश का भील विद्रोह प्रमुख रहा। उसी तरह उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर पूरी भारत के विख्यात चार धाम में से एक है। हिंदू शास्त्रों में ग्रंथों में भगवान कृष्ण और विष्णु का बेहद ही सुंदर वर्णन मिलता है। जगन्नाथ पुरी को पहले नील माधव कहा जाता था। हजारों वर्ष जगन्नाथ पुरी अथवा नील माधव कहा जाता था कि पूजा वहाँ के भील सरदार राजा विश्वासु भील किया करते थे। शायद आपको यह नहीं पता हो, सरदार विश्वासु जी नील माधव जी को अपना आराध्य देवता मानते थे। नील माधव जी एक गुफा में विराजमान थे। भील जनजाति के लोग बड़े ही हर्षोल्लास से भगवान नील माधव जी की आराधना किया करते थे। पुराणों के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद द्वारा मानी जाती है। कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, निषाद ने अपने पिता शिव के प्रिय बैल नंदी को मार दिया था। तब दंड स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में निवासित कर दिया था, जहां उनके वंशज भील कहलाए। रामायण महाकाव्य के रचयिता ऋषि वाल्मीकि भील पुत्र थे तथा उनका मूल नाम वालिया था। महाभारत महाकाव्य में वर्णित गुरु भक्त एकलव्य भी भील जनजाति के ही थे। रामायण महाकाव्य में भी सबरी नामक महिला का वर्णन मिलता है जिसने श्री राम को वनवास के दौरान जूठे बैर खिलाए थे। उस सबरी का संबंध भी भील जनजाति से ही था। दर्शकों, इस जनजाति की कर्तव्य निष्ठा, प्रेम और निश्चल व्यवहार के उदाहरण प्रसिद्ध है। तो प्यारे दर्शकों, भील जनजाति के बारे में विस्तृत पूर्वक हमने आपको जानकारी दी है। प्यारे दर्शकों, कमेंट के माध्यम से हमें यह जरूर बताइएगा कि आपको भील जनजाति के बारे में इतनी बातें पता थी या नहीं, या फिर आप यह भी बताइएगा क्या आप भील हैं, या फिर आपके भील दोस्त रिश्तेदार हैं या नहीं है, क्योंकि भील जनजाति के लोग काफी समझदार, सरलता पूर्ण रहते हैं, काफी सहजता से अपना काम करते हैं और काफी अच्छे होते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें ताकि आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे दर्शकों, सपोर्ट अस, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।